हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ 2023 जो प्रीलिम्स का आरबी शिफ्ट 1 थी उसके एनालिसिस के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या टॉपिक्स आए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखिए, जो आपका सीक्वेंस है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका सीक्वेंस जो आया था वो था आपका इंग्लिश, फिर आपका क्वांट्स एंड देन रीजनिंग। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो आए थे। अब इंग्लिश का जो पेपर है, जो आपका जो पोर्शन था, ये आपका काफी इजी था। इसको थोड़ा इजी बताया गया है जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें जो एनालिसिस मिला है वहां से। तो कॉम्प्रिहेंशन था एक, जिसमें 6 से 8 क्वेश्चन थे। टॉपिक जो था इस कॉम्प्रिहेंशन का वो आपका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से, माइनिंग से कनेक्टेड था, ठीक है। आपका PQRS रीअरेंजमेंट, इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे। स्पॉटिंग द एरर, 4 से 5 सवाल। फिलर्स भी थे, इसमें 5 से 6 सवाल थे। वर्ड स्वैपिंग, 2 से 3। वर्ड यूसेज, 1। और फ्रेजल रिप्लेस, आपके 2 से 3। इस तरह से आपका ये पूरा जो पैटर्न आया था, सेम वही ओल्ड पैटर्न था, कुछ भी नया नहीं था और आपका ये इजी आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स भी काफी टफ था, जो बताया स्टूडेंट्स ने काफी टफ था। और वही गलती करी उन्होंने इस बार कि पूरा पेपर आपको स्टार्टिंग में लगा उनको कि पेपर टफ है, तो काफी स्टूडेंट्स तो पेपर को पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाए। इस बार हमें नया क्या देखने के लिए मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आया था। सीरीज आई थी मिसिंग नंबर की, 5 क्वेश्चन थे वहां से आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, 4 नंबर थे। डीआई था आपका, और इसमें आपका डीआई में क्या था, आपके 2 डीआई थी आपकी, एक डबल पाई चार्ट था और एक आपका टेबुलर चार्ट था। एक में आपका पॉपुलेशन दी हुई थी फीमेल और मेल की, और एक में आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट और आपका पब्लिक सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चंस उसमें डेटा गिवन था। अर्थमेटिक का ज्यादा पोर्शन वही जो आता है हमारा 12 से 14 15 का, तो वही 14-15 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके वो आपके अर्थमेटिक से यहाँ पर जो आपके आए थे। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी पजल, आपकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी मॉडरेट थी, रीजनिंग का लेवल आपका मॉडरेट लेवल था, ठीक है। 3 पजल आपकी यहाँ पर आई थी, फाइन, 3 पजल आपकी यहाँ पर इस बार आई हैं। ये 3 पजल था, 2 आपके सिटिंग अरेंजमेंट था। पजल में अगर आप देखें तो आपका एक सिटी बेस्ड पजल था, इसमें आपको 3 सिटीज दी गई थी। इसमें आपका डे और आपका मंथ वाला एक पजल था, मंथ वाला, ठीक है। उसमें आपके 9 और 26 दो डेट्स आपकी गिवन थी, ओके। और एक और आपकी इसमें जो है वो आपकी पजल जो आई थी, एक आपका इसमें था आपका स्टैक बेस्ड पजल, ठीक है। आपका एक स्टैक बेस्ड बॉक्स बेस्ड पजल में आपका आया था। 2 आपकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, एक आपका स्क्वायर बेस था जिसमें आपके 16 लोग थे, सॉरी इसमें आपके 8 लोग थे और 4 in 4 out करके उसमें बैठे हुए थे। और एक इसमें था लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, उसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ जो लोग बैठे हुए उनसे आपसे आपसे वो पूछा गया था। आगे बात करें, कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन था, डायरेक्शन के 3 सवाल, इनइक्वालिटी के 3 सवाल, सलॉक्स के 3 सवाल। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो पूरा पेपर है जो आया है, हालांकि देखा जाए तो ये टफ ही था। अभी जो आपका NISL का एग्जाम हुआ था उससे ये थोड़ा इसको टफ जो है वो माना जा रहा है इसी बार। हालांकि क्वांट्स ज्यादा टफ थी, इंग्लिश आपकी वही थी इजी और रीजनिंग आपकी मॉडरेट थी। आपको इस पूरे ये आपको पूरा एनालिसिस था आपके इस पूरे एग्जाम का भी शिफ्ट 1 का, और आपको शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस है, शिफ्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट आपको उसका पेपर, प्रीवियस पेपर आपको आज शाम तक हमारी वेबसाइट पर www.iexambi.com पर, यहां पर आपको इसका कंप्लीट PYP मेमोरी बेस्ड PYP है वो आपको आज शाम तक यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए हो या आपको पेपर अगर आपका अटेम्प्ट करना है तो आप शाम को तक हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और आपको उसका पेपर आज ही आपको यहां पर जो है वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ, जो भी डेटा हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है उसी डेटा के साथ, उसी पैटर्न पर आपको PYP यहाँ पर हमारी वेबसाइट से इसको अवेल आप कर सकते हैं। फिर आप इसको मॉक टेस्ट की तरह लगाइए, क्योंकि अभी आपके आगे भी एग्जाम्स आएंगे, आपके और शिफ्ट्स भी होनी है और आपका अभी 30th को भी आपका एग्जाम है, तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए आई एग्जाम बी को, we are 50% faster। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए एनालिसिस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।